Monash University, a public research university based out of Melbourne City in the state of Victoria. इसे 1858 में कायम किया गया था. ये स्टेट की सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, अ ग्लोबल यूनिवर्सिटी. इसके पास विक्टोरिया में चार कैंपसेस हैं, एक मलेशिया में है, एक इटली में रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, चीन में एक ग्रेजुएट स्कूल है और मुंबई इंडिया में इनके पास एक ग्रेजुएट रिसर्च स्कूल अवेलेबल है. इनकी जो पॉपुलर कोर्सेज हैं, इस यूनिवर्सिटी की जो पॉपुलर कोर्सेज हैं उसमें इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिसिन, फाइनेंसेस के कोर्सेज शामिल हैं और इवन अकाउंटिंग भी इसके जो है वो पॉपुलर कोर्सेज के अंदर शामिल होता है. विद इन ऑस्ट्रेलिया इसका जो रैंक है वो नंबर 6 पर स्टैंड करती है विद इन ऑस्ट्रेलिया और QS ग्लोबल रैंक में 55 पर स्टैंड करती है. इसकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट है, अंडर ग्रेजुएट ए लेवल्स वाले स्टूडेंट्स के लिए आपके पास मिनिमम ABB होना चाहिए टू अप्लाई और पोस्ट ग्रेजुएट 70% या 3 CGPA वाला स्टूडेंट जो है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एडमिशन. IELTS आपके पास 6.5 ओवरऑल होना बहुत जरूरी है. फी रेंज, अंडर ग्रेजुएट बिजनेस स्टूडेंट की जो फी है इसमें 45,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है, इंजीनियरिंग 46 में मिलता है और आर्ट्स 33,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में मिलता है. पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के जो सेम है, बिजनेस आपको 45 में ही मिलेगा, इंजीनियरिंग 48 में मिलेगा और आर्ट्स आपको 39,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में मिलेगा. इनटेक्स फेब एंड जुलाई में है. स्कॉलरशिप मोनाश इंटरनेशनल मैरिट स्कॉलरशिप है, लाइक इनके पास जो स्कॉलरशिप का जो नाम है वो मोनाश इंटरनेशनल मैरिट स्कॉलरशिप है जो कि 10,000 पर एनम है और इसके लिए अराउंड 31 स्टूडेंट को पर ईयर सेलेक्ट किया जाता है और उसका सिलेक्टिंग क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है जैसा कि हमने अबव डिस्कस किया है. बेस्ड ऑन एकेडमिक अचीवमेंट, आपका एकेडमिक अचीवमेंट मैटर करता है. मिनिमम जो आपकी एजुकेशन है या उसकी जो ओवरऑल वेटेज है उसकी एवरेज मार्किंग 85% होना बहुत जरूरी है और स्टूडेंट को 500 वर्ड्स का एक SOP भी लिखना होगा जिसकी बेसिस के ऊपर वो आपको असेस करेंगे एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर स्कॉलरशिप एंड यू मस्ट हैव submit a separate application form this scholarship. तो आप separate apply करें और separate application form fill करें then you are eligible for that particular scholarship.